हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज का जो वीडियो होगा वो सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट नोट्स होगा। एक छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी यूनिट है, और इस चैप्टर में आज हम पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। ये कंप्लीट नोट्स होगा मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन का, जिसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला सेकंड चैप्टर है वो है यूनिट सेकंड, आर्किटेक्चर एंड इशू फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। ये सेकंड चैप्टर यूनिट है, सेकंड यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर, कि मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है। हालांकि फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो ये जो टॉपिक होगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है मल्टीमीडिया के, या मल्टीमीडिया को बनाने में कौन कौन से हार्डवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, या मल्टीमीडिया के कंपोनेंट क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करते हैं या फर्स्ट यूनिट आपने कंप्लीट कवर किया हुआ है तो ये चैप्टर आपको और आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर। सबसे पहले मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर को समझने से पहले हम समझते हैं कि मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए मल्टीमीडिया सिस्टम जो होता है वो मल्टीमीडिया डेटा, अब आप ये मत पूछिएगा कि मल्टीमीडिया क्या होता है, हालांकि मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो मल्टीमीडिया सिस्टम होता है, मल्टीमीडिया सिस्टम मल्टीमीडिया डेटा और एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कैपेबल सिस्टम होता है। यानी कि मल्टीमीडिया जो सिस्टम होता है, मल्टीमीडिया से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा या उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन होंगे उसको प्रोसेस करने में कैपेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया सिस्टम में क्या होता है कि जो भी मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, या उससे रिलेटेड जो भी स्टोरेज होता है, या उसका जो प्रोडक्शन होता है, था उससे जो उसमें जो बदलाव होता है या जो मैनिपुलेशन होता है, ये सब करने का काम जो होता है वो मल्टीमीडिया सिस्टम का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टीमीडिया सिस्टम के फीचर्स की, या मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर क्या और क्वालिटी होनी चाहिए, तो अगर बात करें तो मल्टीमीडिया सिस्टम में मल्टीमीडिया सिस्टम को कंप्यूटर कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि मल्टीमीडिया सिस्टम जो है उसको हम अपने सिस्टम से आसानी से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ जो मल्टीमीडिया सिस्टम है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, मींस कि प्रोसेसिंग, स्टोरेज, जनरेशन तथा मैनिपुलेशन एक ही सिस्टम से पूरा किया जा सके, यानी कि इंटीग्रेट होना चाहिए। यानी कि एक ही सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी कर सकें, स्टोरेज भी कर सकें, उसको प्रोडक्शन भी कर सकें तथा उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकें। ये आपकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, फीचर्स होना चाहिए मल्टीमीडिया सिस्टम के। ठीक है, और साथ ही साथ मल्टीमीडिया सिस्टम द्वारा प्रयोग की गई जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकें, ये भी इसका एक फीचर होता है। साथ ही साथ जो मल्टीमीडिया होती है, मल्टीमीडिया की अंतिम जो प्रेजेंटेशन होती है, जो इंटरफेस होता है, वो एक तरीके से इंटरेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, हालांकि इसमें भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम समझते हैं कि मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो जो मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर है ये मेनली इसके 3 आर्किटेक्चर अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसके 3 आर्किटेक्चर अवेलेबल हैं, जिसमें आपका पहला है स्टैंड एलोन मल्टीमीडिया आर्किटेक्चर, दूसरा है सर्वर मल्टीमीडिया आर्किटेक्चर, तीसरा है नेटवर्क मल्टीमीडिया आर्किटेक्चर। अब ये जो तीनों आर्किटेक्चर हैं ये क्या है, आप देख पा रहे होंगे जो तीनों आर्किटेक्चर हैं ये लेयर बेस्ड हैं। ठीक है, लेयर बेस्ड हैं। अब यहाँ पे लेयरिंग का जो लेयरिंग आर्किटेक्चर इसलिए क्यों रखा गया है, ताकि जो इसके टास्क हैं या जिसके जो कार्य हैं वो, या इसमें जो हमें जो फीचर्स मिल रहे हैं अवेलेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, या विशेषाधिकार जो है, ठीक है, ये सब मेंटेन रह पाए, हम इसलिए लेयरिंग आर्किटेक्चर को हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें इस डायग्राम में देखें तो जो पहला, इन तीनों में जो पहला
लेयर है वो आपका है एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो लेयर है वो पहला क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, देखिए एप्लीकेशन लेयर का इसलिए हमें प्रोवाइड की गई है मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर में। एप्लीकेशन लेयर हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारे जो प्रेजेंटेशन है और ठीक है, इसलिए हमें प्रोवाइड की गई है कि हमारे प्रेजेंटेशन और मल्टीमीडिया के साथ यूजर डायरेक्टली एक्सेस और कंट्रोल कर सके। यानी कि एप्लीकेशन लेयर हमें यूजर को इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि वो प्रेजेंटेशन के साथ और मल्टीमीडिया के साथ डायरेक्टली एक्सेस कर सके और उसे आसानी से कंट्रोल कर सके। ठीक है, मल्टीमीडिया यूजर को एक इंटरफेस मिल जाता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अपना एप्लीकेशन लेयर के थ्रू एक यूजर क्या करता है, मल्टीमीडिया सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब अगला इसका जो लेयर है वो अगली लेयर है उसके बारे में बात करेंगे, वो है क्या आपका मीडिया मैनेजमेंट। इसकी जो दूसरी लेयर है वो है क्या, मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए मीडिया मैनेजमेंट बेसिकली हमारा यूजर जिस आर्किटेक्चर या जिस इंटरफेस पर काम कर रहा है, जिसे इंटरेक्ट कर रहा है और जिसे कंट्रोल कर रहा है, जितनी भी सर्विसेज उस यूजर को मिल रही हैं वो उसको सिंक्रोनाइज कर सके। सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो जो मल्टीमीडिया मैनेजमेंट है, मल्टीमीडिया मैनेजमेंट में बेसिकली हमारा यूजर है, यानी कि हमारा जो यूजर है जिस इंटरफेस को इंटरेक्ट कर रहा है, जिस पे काम कर रहा है या जिसे कंट्रोल कर रहा है, ये सारी सेवाएँ यूजर उसको यूज कर सके और उसको सिंक्रोनाइज कर सके। ठीक है, आगे अगली जो लेयर है एंड टू एंड एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये जो तीसरी लेयर है। अब इसका काम क्या होता है एंड टू एंड या क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, इसका काम क्या है, एंड टू एंड एंड QoS कंट्रोल लेयर का काम सोर्स मल्टीमीडिया और डेस्टिनेशन मल्टीमीडिया के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना है और इस कनेक्शन के बीच QoS प्रोवाइड करना है। उसमें आपका जो डीले होता है, जीटर होता है, पैकेट लॉस होता है, ये सब मेंटेन रहे। अब देखिए एक बात बता दें कि जो आपका एंड टू एंड लेयर है या क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी सर्विस कंट्रोल लेयर है, इसका काम क्या है कि सपोज हम कोई मल्टीमीडिया फाइल है एक जगह से दूसरे जगह पे भेज रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं कि सीधा उड़ के चला जाएगा, किसी न किसी ट्रांसमिशन माध्यम का यूज करके उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो ये लेयर होती है इसका काम क्या होता है कि सोर्स मल्टीमीडिया और डेस्टिनेशन मल्टीमीडिया के बीच में एक ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश करे ताकि उस मल्टीमीडिया की क्वालिटी बनी रहे, यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है वो मेंटेन रहे, बनी रहे। अब उसमें जो जीटर होता है, डीले होता है, जो पैकेट लॉस होता है, उसको व्यवस्थित करे, उसको मैनेज करने का काम जो होता है वो एंड टू एंड एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस कंट्रोल लेयर का काम होता है। ठीक है, अभी हम क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपका जो अगली लेयर है नेटवर्क सब सिस्टम एंड स्टोरेज सिस्टम, ये लास्ट लेयर है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये लेयर हमारी सर्विसेज को सेंट्रलाइज्ड मल्टीमीडिया सिस्टम के थ्रू फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड रहते हैं। और ये जो लेयर होती है, जो नेटवर्क लेयर, नेटवर्क सब सिस्टम लेयर होती है, जो अपर लेयर मीन्स आपका जो एप्लीकेशन लेयर या मल्टीमीडिया मैनेजमेंट लेयर जो होती है उसको फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करती है या उसकी फंक्शनलिटी की देखभाल करती है, केयर करती है। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा हमारा टॉपिक इस चैप्टर का है, दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम को जानने से पहले जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमने दिया है कि जब अनेक कंप्यूटर को जोड़कर एक सिंगल सिस्टम की तरह प्रयोग किया जाता है
ठीक है, जब अनेक कंप्यूटर को, ठीक है, जब अनेक स्वतंत्र कंप्यूटर को जोड़कर एक सिंगल सिस्टम की तरह प्रयोग किया जाता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कंप्यूटर एक ही जगह पर कनेक्ट हों, वो अलग अलग जगह पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। यदि सभी कंप्यूटर एक ही जगह पर कनेक्ट होते हैं तो इसे लैन डिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे, और यदि सभी कंप्यूटर अलग अलग जगह पर कनेक्ट होते हैं तो उसे वैन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कहा जाएगा। देखिए, अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया का सीधा से एग्जांपल अगर लें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया का। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया क्या होती है उसको देखते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी कि कम्युनिकेशन का एक इंटीग्रेशन रूप, मतलब कि सारे कम्युनिकेशन को एक किया गया है, मीन्स मल्टीमीडिया को इंटीग्रेट किया गया है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसकी सहायता से मल्टीमीडिया कंटेंट, मल्टीमीडिया कंटेंट का मतलब यानी कि जिससे मिलकर मल्टीमीडिया बना है, मीन्स ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सारे क्या ऐसे कंटेंट हैं, यानी कि जिसकी सहायता से मल्टीमीडिया कंटेंट को इंटीग्रेट किया जाता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया का काम क्या होता है कि मल्टीमीडिया कंटेंट को इंटीग्रेट करने का कार्य करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया की सहायता से मल्टीमीडिया की सूचना की प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट तथा प्रेजेंटेशन को प्रभावी रूप से किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया के जो कंपोनेंट हैं, पहला है हमारा वो है क्या, इंफॉर्मेशन सर्वर, दूसरा क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, और तीसरा क्या है, मल्टीमीडिया क्लाइंट हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम हम जब भी यूज करेंगे तो हमारे जो कंपोनेंट हैं सर्वर, वाइड एरिया नेटवर्क और मल्टीमीडिया क्लाइंट, इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा या मेंटेन होगा या क्रिएट होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है कि इसका सीधा सीधा एग्जांपल क्या है, आपका एग्जांपल इसका सीधा सीधा क्या है, मल्टीमीडिया क्लाइंट, सॉरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का अर्थ है कि विभिन्न कंप्यूटर कार्यों को भौगोलिक रूप से भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया के बारे में। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी वही दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को देख भी सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने बताया कि इसके जो कंपोनेंट हैं मल्टीमीडिया क्लाइंट, सर्वर और वाइड एरिया नेटवर्क, वही सारी चीज़ें मैंने इस डायग्राम में ड्रा किया हुआ है कि इसको ट्रांसमिट करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे आपका ये सोर्स क्लाइंट है, यहाँ पे आपका वीडियो सर्वर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीमीडिया की, तो उसको देखते हैं कि इसमें इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीमीडिया सिस्टम के, जिसमें हमारा है पहला आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, दूसरा है वीडियो ऑन डिमांड, तीसरा है मूवी ऑन डिमांड, चौथा है वॉइस ओवर आईपी, पांचवा है वेब रेडियो, छठा है वेब टीवी, और जो सातवां है इंटरेक्टिव टीवी। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन हैं, इनका यूज या अनुप्रयोग कह सकते हैं। तो पहला आपका जो एप्लीकेशन है वो है क्या, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इसके बारे में आप भली बात जानते भी होंगे, इसको देखते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ फोन के साथ साथ मोशन वीडियो भी जब ऐड कर दिया जाता है तो उसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। मतलब फोन, अगर हम नॉर्मली फोन कॉल से अगर बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर मोशन वीडियो को उस फोन के साथ ऐड कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है तो उसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई लोग एक साथ भाग लेते हैं और कई बार ग्रुप में भी कम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन करते हैं ग्रुप के मध्य, ठीक है। अतः वीडियो कॉन्फ्रेंस में बाइलेटरल, मतलब एक पास ना होकर दूर दूर, ठीक है, बाइलेटरल के बजाय दूर स्थित लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस में बात चलती है। इसके लिए प्रतिभागी किसी ऑफिस या मीटिंग प्लेस पर आके बैठते हैं और कैमरे की मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, ठीक है।
ये क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम का, ठीक है। अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो है आपका दूसरा वीडियो ऑन डिमांड। अब वीडियो ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, वीडियो ऑन डिमांड में, वीडियो ऑन डिमांड वह एप्लीकेशन है या वो एप्लीकेशन आता है जहां पर यूजर वीडियो सर्वर तक पहुंच बनाने तथा फिर भी चलती तस्वीर को देखने के लिए अनुरोध करता है। यानी कि हम डिमांड करते हैं कि किसी भी वीडियो सर्वर तक एक्सेस करने के लिए या किसी भी मूवी को देखने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, ठीक है। अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो है मूवी ऑन डिमांड, ठीक है। अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है आपका, मूवी ऑन डिमांड। अब मूवी ऑन डिमांड में क्या होता है, मूवी ऑन डिमांड भी क्या है, एक पब्लिक मूवी ऑन डिमांड सेवा है जिसमें कोई भी व्यक्ति फिल्म के लिए, यानी क्या है, कोई भी पर्सन मूवी के लिए या मूवी देखने के लिए रिक्वेस्ट सर्वर से कर सकता है। अगला जो है वॉयस ओवर आईपी, ठीक है। वॉयस ओवर आईपी का मतलब क्या होता है, वॉयस ओवर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से। अब यहाँ प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिशन को गवर्न करता है कि डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होना है, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से इंटरनेट या डेडिकेटेड नेटवर्क पर टेलीफोन संपर्क संभव हुआ है तथा इसके अंतर्गत वॉयस डेटा को ट्रांसमिशन लाइन के बजाय आईपी पैकेट द्वारा कैरी किया जाता है, अर्थात ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन में होने वाली सर्किट स्विचिंग के बजाय यहाँ संचार पैकेट स्विचिंग के माध्यम से होता है, ठीक है। आईपी नेटवर्क द्वारा वॉयस डेटा को कैरी करने हेतु प्रोटोकॉल वॉयस ओवर आईपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। साथ ही आपका जो अगला जो एप्लीकेशन है वेब रेडियो। वेब रेडियो का मतलब क्या होता है, वेब रेडियो एक इंटरनेट, जिसको हम इंटरनेट रेडियो भी या एक ब्रॉडकास्टिंग सेवा भी कहते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से हमें अवेलेबल होती है, जिसको हम वेबकास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका वेब टीवी। वेब टीवी क्या है, एक विशेष टेलीविजन सेवा है जिसके अंतर्गत इंटरनेट कनेक्शन या सेटअप बॉक्स की जरूरत होती है। इसको आप भलीभांति जानते होंगे, इसके सेटअप में वेब ब्राउजर या वायरलेस कीबोर्ड तथा इंटरनेट, इसके सेटअप में हमें वेब ब्राउजर या वायरलेस कीबोर्ड तथा इंटरनेट से कनेक्शन की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। अगला जो एप्लीकेशन है वो है इंटरेक्टिव टेलीविज़न। इंटरेक्टिव टेलीविज़न क्या होता है, इंटरेक्टिव टेलीविज़न एक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सेवा है जो कि रेजिडेंशियल, यानी कि जो आवासीय होते हैं, यानी कि जो रेजिडेंशियल कस्टमर को हमें क्या करता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक विभिन्न प्रकार का प्रमुख इंटरेक्टिव सेवा पहुँचाना है। यह सूचना वीडियो के अलावा टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स और एनिमेशन के रूप में हो सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें इंटरेक्टिव टेलीविज़न में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए टेक्स्ट, इमेज या ग्राफिक्स का या एनिमेशन का यूज होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट सेवा कार्यक्रम, टीवी गाइड, स्पोर्ट स्कोर, आपने स्पोर्ट स्कोर के बारे में भी देखा होगा, वहाँ पे भी इंटरेक्टिव टेलीविज़न का यूज होता है। फाइनेंशियली बिजनेस रिलेशन, डेटा या फिर टेलीशॉपिंग, टेली बैंकिंग, ईमेल और कंप्यूटर गेम भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम के, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में देखते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो मल्टीमीडिया सिंक्रोनाइजेशन रेफरेंस मॉडल अगला जो टॉपिक हमारा है वो सिंक्रोनाइजेशन है। ये हमारा जो अगला टॉपिक है ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। मैंने बोला था कि अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन का अगर बात करें तो सिंक्रोनाइजेशन, मल्टीमीडिया सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है इसको अगर देखें तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में मल्टीमीडिया कंटेंट सही स्थान पर तथा सही समय पर प्रस्तुत हो तभी मल्टीमीडिया
प्रेजेंटेशन प्रभावी हो सकेगी। अतः मल्टीमीडिया कंटेंट का इन थ्री एक्सिस कंटेंट स्पेस तथा टाइम के मध्य सामंजस्य सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। अगर हम बात करें कि अगर हम कोई जब भी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जब कोई भी प्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं तो उसमें जो मल्टीमीडिया के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं या किस तरीके से चल रहे हैं, ये सब दर्शाने का काम क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन का होता है। मीन्स कि सिंक्रोनाइजेशन का तात्पर्य समय से होता है, कह सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन मतलब समय, टाइम पीरियड। अतः सिंक्रोनाइजेशन मल्टीमीडिया सिस्टम में विभिन्न ऑब्जेक्ट को एक साथ चलना दर्शाता है, यानी कि जो मल्टीमीडिया में जो ऑब्जेक्ट हैं एक साथ चल रहे हैं या मूव कर रहे हैं कि नहीं, ये दर्शाने का काम सिंक्रोनाइजेशन का होता है। जैसे कि किसी वीडियो क्लिप में ऑडियो और वीडियो का एक साथ चलना जरूरी है, ठीक है, अर्थात सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, तथा इमेज के सेट तथा टेक्स्ट कैप के मध्य सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। तो ये सारे क्या हैं, सिंक्रोनाइजेशन हैं, ठीक है। अब अगर बात करें सिंक्रोनाइजेशन रेफरेंस मॉडल की, तो इसके बारे में देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन रेफरेंस मॉडल क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन रेफरेंस मॉडल के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये आपका आप डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आपका जो रेफरेंस मॉडल इसका है, ये भी एक तरीके से लेयर पे डिवाइड है, जिसमें हमारा जो पहली लेयर है वो मीडिया पहली जो हमारी लेयर है वो मीडिया लेयर है, दूसरी स्ट्रीम, तीसरी ऑब्जेक्ट और चौथी स्पेसिफिकेशन लेयर है। ये हमारा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए क्या है, एक सिंक्रोनाइजेशन रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। तो जिसमें मीडिया लेयर जो होती है इसका काम क्या होता है, इस डायग्राम से हम यही समझेंगे कि जो मीडिया लेयर है इसका काम क्या होता है, स्ट्रीम लेयर का, यानी कि लेयर बाय लेयर इसकी फंक्शनलिटीज़ क्या होती हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो जो पहली लेयर है वो मीडिया लेयर है। मीडिया लेयर का काम क्या होता है कि मीडिया लेयर फाइल तथा डिवाइस से एक्सेस प्रदान करती है। मीडिया लेयर का काम है कि किसी भी फाइल सिस्टम को एक्सेस करने या डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हमें एक तरीके से फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है, दूसरी लेयर है, उसका काम क्या है, स्ट्रीम लेयर। देखिए स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, प्रवाह या धारा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, स्ट्रीम लेयर कंटीन्यूअस मीडिया स्ट्रीम तथा ग्रुप ऑफ मीडिया स्ट्रीम पर ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। स्ट्रीम लेयर कंटीन्यूअस मीडिया स्ट्रीम तथा ग्रुप ऑफ मीडिया स्ट्रीम पर ऑपरेट किया जाता है, इसका काम है स्ट्रीम लेयर का। अब अगली लेयर के बारे में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट लेयर। ऑब्जेक्ट लेयर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेयर सभी मल्टीमीडिया स्ट्रीम पर ऑपरेट किया जाता है, यानी कि मल्टीमीडिया स्ट्रीम क्या है कि मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट को किस फ्लो में मूव कराया जा रहा है, इसका काम ऑब्जेक्ट लेयर का होता है। ऑब्जेक्ट लेयर सभी मल्टीमीडिया स्ट्रीम पर ऑपरेट किया जाता है। यदि कोई एप्लीकेशन इस लेयर से इंटरेक्ट करती है तो उसे पूर्णतः सिंक्रोनाइज्ड प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट लेयर का काम यही होता है कि जो भी प्रेजेंटेशन बनाने में जो भी ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं या जो भी वो एक तरीके से उनको किस फ्लो में मूव कराना है, ये काम होता है ऑब्जेक्ट लेयर का, ठीक है। अगला है स्पेसिफिकेशन लेयर। स्पेसिफिकेशन लेयर का काम क्या होता है, स्पेसिफिकेशन लेयर का जो काम होता है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर को ऑब्जेक्ट लेयर इंटरफेस द्वारा दी गई क्वालिटी को मैप करता है। मतलब कि किसी भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है या उसमें क्या लॉस हो रहा है, क्या जीटर हो रहा है, क्या पैकेट लॉस हो रहा है, ये सारी क्वालिटी को मैप करने का काम क्या होता है, स्पेसिफिकेशन लेयर का काम होता है, ठीक है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है इसमें हमारा मल्टीमीडिया क्वालिटी ऑफ सर्विस का है। अभी मैंने बताया था पीछे कि मल्टीमीडिया क्वालिटी ऑफ सर्विस होती क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस, देखिए क्वालिटी ऑफ सर्विस का काम क्या है, मल्टीमीडिया क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस वह तकनीक है जो डेटा ट्रैफिक को इस प्रकार मैनेज करती है जिससे नेटवर्क पर पैकेट लॉस को कम किया जा सके। वायस या इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत डेटा को पैकेट के रूप में सेंड किया जाता है तथा रिसीवर इन पैकेट को
इन पैकेट को कलेक्ट करके फिर से डेटा को रिकवर कर लिया जाता है, पैकेट लॉस से डेटा ट्रांसमिशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, मल्टीमीडिया सर्वर है और एक यहाँ पे इंड यूजर है। जब सोर्स मल्टीमीडिया से डेस्टिनेशन मल्टीमीडिया के बीच में कोई भी फाइल को सेंड किया जाता है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस का काम होता है कि जो उसके बीच में जो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या नेटवर्क में जो भी डेटा पैकेट है उसके लॉस को कम करना। क्वालिटी ऑफ सर्विस का काम ये होता है कि डेटा पैकेट को लॉस को कम करना, जिसमें जो टर्म होता है वही मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, सेम वही डायग्राम है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस का काम क्या है कि डेटा पैकेट के लॉस को कम करना। अगर डेटा पैकेट लॉस हो रहा है तो ट्रांसमिशन पे एक तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर इसमें देखें क्या क्या टर्म आते हैं, जिसमें आपका पहला है जीटर। जीटर का काम क्या होता है या जीटर क्या होता है, यदि सेंड किए गए डेटा यदि सेंड किए गए पैकेट रिसीवर पर उसी क्रम में रिसीव नहीं होते हैं जिस क्रम में वह भेजे गए हैं तो उसे हम जीटर कहते हैं। जीटर मतलब जो डेटा हमने सेम भेजा है वो सेम फॉर्म में एंड यूजर तक नहीं पहुँचता। अब दूसरा क्या है, लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है, पैकेट ट्रैवल में पैकेट नेटवर्क में ट्रैवल करने में कितना समय ले रहा है, यानी कि डेटा को मल्टीमीडिया सर्वर से या एंड यूजर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, इसको हम लेटेंसी ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, पैकेट लॉस क्या होता है, पैकेट लॉस का तात्पर्य ट्रांसमिशन में गायब होने वाले डेटा पैकेट से है। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगला जो टॉपिक है वो है ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन है ये क्या होता है, ऑर्केस्ट्रेशन कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट के लिए एक ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन और कोऑर्डिनेशन है। इसका क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट के लिए क्या है, एक ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन है ये। ठीक है, अब ऑर्केस्ट्रेशन उस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और सर्विस को रेफर करता है जो ऑटोमेटेड और ऑर्केस्ट्रेशन की आईटी और बिजनेस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क है। मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क सबसे पहले फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है बनावट, सिस्टम, ढांचा या डिज़ाइन या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क का रोल क्या होता है, काम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क का काम क्या है कि मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। मींस क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो कि मल्टीमीडिया को कंप्यूटर व नेटवर्क में हैंडल करता है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, या कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनावट, या कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि मल्टीमीडिया को कंप्यूटर व नेटवर्क में हैंडल करता है। एक अच्छा मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है ताकि ये नए ऑडियो व वीडियो हेतु सपोर्ट को आसानी से ऐड किया जा सके। मींस कि जब भी हम कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क का काम क्या होता है कि जब भी हम कोई नई ऑडियो और वीडियो को ऐड करते हैं उस प्रेजेंटेशन में तो ये उसको आसानी से सपोर्ट कर सके। ठीक है, इसको मीडिया प्लेयर, ऑडियो एंड वीडियो एडिटर एप्लीकेशन हेतु यूज किया जाता है। जो हमारा मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क है इसका यूज हम मीडिया प्लेयर, ऑडियो एंड वीडियो एडिटर एप्लीकेशन हेतु यूज किया जाता है, तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन, मीडिया कन्वर्टर व अन्य मल्टीमीडिया टूल्स के साथ भी इसका यूज हम करते हैं मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क का। ठीक है, अब इसका अगर इसके डायग्राम को देखें तो यहाँ पे मैंने डायग्राम को भी ड्रा किया हुआ है। डायग्राम आई होप कि आप क्लियर हो पा रहा होगा, अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको दोबारा स्लाइड में भेज दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो को समझने में आपको स्टार्टिंग से कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, उस पीडीएफ नोट्स से आप नोट्स को कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।